सरयू राय जी ने आप लोगों को एक बात भी नहीं बताया कि ये जो दरखास्त है अर्जुन मुंडा ने 30 अगस्त 2023 में दिया है। जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेसी नेता डॉक्टर अजय कुमार ने बीजेपी को बताया सिद्धांतहीन पार्टी। भुयाडी कल्याण नगर और इंदिरा नगर मामले को लेकर विधायक सरयू राय और बीजेपी को लिया आड़े हाथ। कहा किसी कीमत पर बेघर नहीं होने देंगे, कल्याण नगर और इंदिरा नगर के लोगों को भाजपा ने दर्द दिया और भाजपा ही मरहम लगाने का नाटक कर रही है। उक्त बातें पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नीति और सिद्धांत की बात करने वाली बीजेपी के नेताओं ने अपनी सत्ता और राजनीतिक लाभ के लिए भुइयाडीह के कल्याण नगर, इंदिरा नगर एवं नदी किनारे बने लगभग 150 घरों के खिलाफ 30 अगस्त 2023 को तत्कालीन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और झारखंड के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली पीठ में शिकायत की थी। इसके बाद मामला एनजीटी द्वारा आवेदन संख्या 567/2023 के माध्यम से स्वीकार किया गया, जहां मामला कोलकाता पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता पीठ द्वारा आवेदन संख्या 567/2023 को बदलकर 145/2023/EZ कर दिया गया। डॉक्टर अजय ने कहा कि भाजपा ने शुरू से ही जमशेदपुर के लोगों को ठगने का काम किया है। इसका ताजा उदाहरण बीजेपी नेता द्वारा भुइयाडीह मामले में एनजीटी में शिकायत दर्ज कराना है। वहीं भाजपा विचारधारों से जुड़े सरयू राय ने भी पिछले 5 वर्षों में इन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं को लेकर कोई कार्य नहीं किया, जिसके कारण इन बस्तियों के लोग नारकीय जिंदगी जीने को अभी सप्त है। वहीं डॉक्टर अजय ने कहा कि बीजेपी और सरयू राय एक सिक्के के दो पहलू है। सांसद विद्युत वरण महतो और सरयू राय भुइयाडीह के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। भाजपा अपनी चाल को छुपा रही है। आज बस्तीवासियों को भाजपा नेता द्वारा एनजीटी में की गई शिकायत के कारण ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरयू राय अब अपने साथी अर्जुन मुंडा को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं, भुइयाडीह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं जो इन लोगों ने 30 साल तक किया। डॉक्टर अजय ने कहा कि भुइयाडीह के कल्याण नगर, इंदिरा नगर, भुइयाडीह सहित नदी किनारे बसे लगभग 150 को टूटने नहीं देंगे। मेरे वकील एनजीटी में इस मामले पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। झारखंड सरकार को 2 सितंबर को एनजीटी में अपना पक्ष रखने का समय मिला है। यह हमारी सरकार के लिए प्राथमिकता वाला मामला है। मेरे अधिवक्ता और झारखंड के महाधिवक्ता इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। सर, हाँ सर, भुइयाडीह बस्ती को तोड़ने का जो नोटिस दिया गया है, हम लोग काफी परेशान थे कि किसके शिकायत पर यह काम किया जा रहा था। यह खुलासा हुआ है कि 30 अगस्त 2023 में अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने भुइयाडीह का इंक्रोचमेंट के लिए दरखास्त दी और सरयू राय जी की पूरी जानकारी में थी। और ये इसलिए किया गया क्योंकि कोई लेन देन का मामला है, नहीं तो ट्राइबल मिनिस्टर जिससे कोई मतलब नहीं है भुइयाडीह से, वहां का ना तो सांसद है ना तो वहां का विधायक है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर पोल्यूशन है, अतिक्रमण हटाना है। हमारा सीधा आरोप है कि सरयू राय जी और अर्जुन मुंडा जी का क्या सेटिंग है एसटीपी कंपनी से कॉपरेट कराना से। और इतने दिन से सरयू राय जी घड़ियाली आंसू बह रहे हैं और बताने में सच्चा है कि अर्जुन मुंडा जी के कंप्लेन पर ही हुआ है। भारत के इतिहास में पहली बार एक जनप्रतिनिधि जनता के खिलाफ जनता को हटाने के लिए दरखास्त दे रहा है एनजीटी में, भारत सरकार का। और क्या इंटरेस्ट है मिस्टर मुंडा को? और मिस्टर मुंडा जो सरयू राय के हितेशी, समर्थक, शुभचिंतक, सब चीज है जो सार्वजनिक सबको मालूम है, उस व्यक्ति को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए सरयू राय ने धोखा दिया इस शहर के जनता के साथ। सरयू राय जी ने आप लोगों को एक बात भी नहीं बताया कि ये जो दरखास्त है अर्जुन मुंडा ने 30 अगस्त 2023 में दिया है। और मान लीजिए, आप लोग प्लीज नोट इट, भारत के इतिहास में कभी भी पहली बार होगा जब मंत्री ने पब्लिक का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर से दरखास्त दिया होगा। बहुत बड़ा लेन देन।
हम दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक तो मालिकाना पर जो ख्याल पैसे का खेल हुआ है और आज इस पर। सरयू राय जी का झूठ का कोई सीमा नहीं। कल वो ट्विटर में और फेसबुक में डालते 10 बजे की हमने दरखास्त दे दी है संजय उपाध्याय ने, 1 बजे खबर आती है कि वो तो रद्द हो गया। हम हमेशा कहते हैं कि हमने सरकारी वकील से बात की, महाधिवक्ता से बात की, चीफ मिनिस्टर से जो हमारी संपर्क रहा है, और हमने कहा कि गरीब लोग के पक्ष रखिए, तो सरकारी वकील ने जो बातें सब रिकॉर्ड ले लिए उसी आधार पर पेश किया, तो 2 सितंबर को फिर से डेट दिया गया। उसके अलावा हमने एक वकील तय किया था संजय बैनर्जी जी, उन्होंने दरखास्त फाइल किया था लेकिन उनका दरखास्त आने का टाइम तब तक जो है टाइम पार हो गया था तो बेंच उठ गई। लेकिन हम लगातार इस पर लड़ेंगे। लेकिन हमारा आपसे एक ही सवाल है, सरयू राय ने असेंबली में कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि अर्जुन मुंडा का नाम है, ना चीफ सेक्रेटरी से पूछा ना सीएम से पूछा, क्योंकि भाई साहब पूरा सेटिंग है कॉर्पोरेट और एसटीपी मैन्युफैक्चरर के साथ, तो इनके लिए घर उड़ जाए बुलडोजर चल जाए लेकिन पैसा चंगासी आनी चाहिए। ये पैसा का खेल है, नहीं तो कोई बाहर का आदमी मंत्री बोलता है कि भुयाडी का अतिक्रमण हटाओ, और सरयू राय जी चुप, क्योंकि उनके हितेशी, उनके दोस्त, उनके बड़े, उनके भाई, उनके शिवचिंतक, ये दोनों जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। और अर्जुन मुंडा जी को ये लगा कि ट्रांसफर होने के बाद पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो ऑर्डर आया है नोटिस दिया सबको कलकत्ता से, ओरिजिनल ऑर्डर हमने निकाला दिल्ली से, दिल्ली के एनजीटी में जो फाइल हुआ उस आधार पर जो है, नहीं तो किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि नोटिस एनजीटी ने अर्जुन मुंडा को नहीं दिया, वो तो झारखंड सरकार को दिया, लेकिन अर्जुन मुंडा के दरखास्त से। तो आप सोच लीजिएगा कि एक आदमी को जन एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हम सब लोग हैं, हमको कितनी मेहनत करना पड़ता है इन लोगों की जो झूठ निकालने की, और ये भुयाडी में किस हैसियत से घूमते हैं बताइए, उनको बोलिए कि जाए भुयाडी है, बोले कि अर्जुन मुंडा ने तोड़वाने के लिए दरखास्त दिया, मार दो तो बोलो। उसका कुछ प्रूफ मिला आपको? प्रूफ है, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप नहीं थे। ओरिजिनल एप्लीकेशन है एनजीटी दिल्ली का ऑर्डर, आपको कॉपी मिलेगा, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ, दी ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 567/2023 वाज टेकन अप सू मोटो बाय द न्यू दिल्ली बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय श्री अर्जुन मुंडा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 30/08/2023 एंड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द ईस्टर्न जोन ब्रांच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये किसको टाटा स्टील को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? ये या तो कॉर्पोरेट है या तो एसटीपी मैन्युफैक्चरर है, या दोनों को मैन्युफैक्चर क्या मतलब? नहीं, जो एसटीपी का प्लांट बनाते हैं ना, अच्छा, वो बड़ा सेटिंग है, बॉस पूरा नदी में बनाएंगे तो बड़ा सामान आएगा, एक वो जार देंगे, तो ये चक्कर है बॉस, पैसे का खेल है। नहीं तो अर्जुन मुंडा को क्या मतलब है भुयाडी से, मतलब पूरा अकेले गड़क जाना है, और उनके साथ उनके खास मित्र सरयू जी जो क्रेडिट जीवी भी है और झूठ बोलने में कभी खतराते नहीं, वो भी तो लड़ रहे हैं, बता रहे हैं डेली की, तो ना आप तो मालूम है, रघुवर जी से पूछ लीजिए, तो सबको मालूम है, और एक बार भी सरयू राय जी ने असेंबली में नहीं उठाया, एक बार भी चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला, एक बार भी सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज से बातचीत नहीं की, तो तुरंत मालूम होता है, ये तो सार्वजनिक करो, दिखाइए आपने असेंबली में कब पूछा, बोलो तो उल्टा आपको सरकार बार बार कह रहा हूँ, पूरा रामायण के बाद समझ रहे यार, तो कंप्लेन अगर अगर आप थाने में कंप्लेन करोगे तब ना थाना कार्रवाई करेगी। तो ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।